हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो मुझसे आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि सुगम हमें इस ठंड में किस तरह के पैक्स लगाने चाहिए, बिकॉज डेड स्किन तो बहुत ज़्यादा आती है इन सर्दियों में। तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि डेड स्किन भी ना आए। डेड स्किन तो आएगी आएगी, लेकिन हाँ, हम अगर उसको रिमूव कर रहे हैं तो हार्शनेस ना आए। मार्केट से जितने भी आप स्क्रब लोगे, यकीन मानिए इतने ज़्यादा स्किन पे हार्श हो जाते हैं कि पर्टिकुलर मैंने दो स्क्रब करना छोड़ ही दिया था। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये जब पैक सजेस्ट किया जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, इससे बिल्कुल भी हार्शनेस नहीं आती है। इवन स्किन बहुत स्मूथ होती है, बहुत शाइन करती है, और हाँ, डेड स्किन भी पूरी तरह से निकल जाती है। क्या फेस पैक, और हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी। आपको कहीं भी जाना नहीं है, कोई भी मार्केट से चीज़ें परचेज नहीं करनी है, तो वहाँ से जाके आप परचेज कर सॉरी वहाँ मतलब वहाँ से परचेज नहीं कर सकते, वो चीज़ बना सकते हैं घर में ही। तो चलिए, और हाँ, यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी स्किन शाइन करी है, बिकॉज वो पैक बना के लगा के देन इसके बाद ये जो फ्रंट वीडियो है ये मैं शो कर रही हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे मैंने बनाया था और क्या किया था। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले मेरे इस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना कि आपने मेरे मेन चैनल को प्यार दिया है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए, वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, और जल्दी जल्दी से इस चैनल के लिए भी हमें जो है यूट्यूब का प्ले बटन लेके आना है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्क्रब को बनाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए चावल का आटा, जो कि आप घर पे भी पीस सकते हो। चावल को आप हाथ से भिगो के देन उसे पीस सकते हो, आप उसे ऐसे ही खड़ा चावल भी पीस सकते हो जो पिस जाएगा। देन इसके बाद आपको लेना है पतंजलि, क्योंकि मैं बोल रही थी कि स्किन पूरा ड्राई एंड डैमेज हो जाती है अगर हम मार्केट के जो है कोई भी फेस पैक लेते हैं, सॉरी स्क्रब लेते हैं, तो स्किन पूरी छिल जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो आपको शहद डालने से इसमें क्या होगा कि स्किन बिल्कुल भी ड्राई एंड डैमेज नहीं होगी। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देन आपको इसमें हल्का सा, बहुत ही बूंद भर मैं बोलूँ तो वन ड्रॉप आपको इसमें लेमन की डालनी है। तो वन ड्रॉप आपको इसमें लेमन की डालनी है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। देन आपको इसमें पानी मिलाना है थोड़ा सा, और इसे एक गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लेना है। तो इस तरह से आपको इस पेस्ट को रेडी कर लेना है, और अपने फेस, नेक, अंडर आर्म्स में लगाएंगे तो लेमन नहीं डालेंगे, तो वो आपको लगाना वहाँ पे लगाना है। आपको अपने पैरों में, हाथों में, अंडर आर्म्स में, कहीं भी आप इसे अप्लाई करिए। थोड़ी देर सूखने दीजिए, देन आपको रब करके निकाल देना है। उसके बाद आप कोई भी फेस पैक, एंटी टेन फेस पैक, कोई भी फेस पैक लगाइए, और इसे शुरुआत में कोशिश करिए कि हफ्ते में हर तीसरे दिन करें, यानी कि कोशिश करिए हफ्ते में आप इसे दो बार करें, फिर आप 15 दिन में एक बार करें, फिर महीने में एक बार करें। स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि मेरे स्किन को इस समय स्क्रबिंग की ज़रूरत है, आप ये फेस एक बार स्क्रब यूज़ करके देखिएगा, ऑसम रिजल्ट होगा, और साथ ही साथ स्किन बिल्कुल भी खींचेगी नहीं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, देखा, ये हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ घर में अवेलेबल है, और मोस्टली सबके घर में अवेलेबल होती है। तो वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।